हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद सैम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मसाला पनीर की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, तो आप ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से एक बार। यहाँ पर देखें, पनीर को इस तरीके से मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। हाफ़ के जी पनीर है यहाँ पर। यहाँ मैंने 4 टमाटर लिया है और इसे अच्छे से वॉश करके ग्रेट कर लिया है। इसकी मैंने पेस्ट नहीं तैयार की है, इस तरीके से ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट किया है, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी टेक्स्चर आएगी मसाला पनीर में। यहाँ पर 2 प्याज लिया है मीडियम साइज की और बिल्कुल बारीक बारीक इसे मैंने कट कर लिया है, तो आप भी बहुत ही बारीक बारीक इसे इस तरीके से कट कर लें। यहाँ पर देखिए, 200 ग्राम दही लिया है, तो 150 से 200 ग्राम तक आप दही ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे कुछ मसाला पाउडर, जैसे कि आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखी नहीं होती है, अच्छे कलर के लिए मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने डाला है आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और यहाँ डाल रही हूँ आधी आधे बड़े चम्मच धनिया पाउडर। नमक डाल देंगे 1 छोटी चम्मच, या फिर आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से फेंट लेंगे ताकि मसाले इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ मसाला देखें मिक्स हो गई है। अब एक पैन में मैं डाल रही हूँ 1 कप मिनरल ऑयल, कोई सा भी ले लें आप रिफाइन ऑयल। और डालने के बाद जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगी, मीडियम फ्लेम पे हम पनीर के क्यूब्स डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके यहाँ पर मैं पनीर के क्यूब्स डाल रही हूँ और इसे मैं 2 बैच में फ्राई करूँगी, एक ही बार मैंने नहीं डाला है सब। 2 बैच में ही अच्छे से फ्राई हो जाएगी, तो हल्की सी गोल्डन कलर हमें इसकी लानी है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा हम पनीर को फ्राई नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम तक, नहीं तो फिर पनीर बहुत टाइट हो जाएगी। इसलिए हम फटाफट से इसे फ्राई करके 1 से 2 मिनट में निकाल लेंगे। तो यहाँ देखें, बस थोड़ी देर के लिए मैंने 20 से 30 सेकेंड एक तरफ से होने दिया है। जैसे ही अच्छी सी कलर आ जाएगी, यहाँ देखें, हम सारे को फ्लिप कर देंगे और दूसरे साइड से भी अच्छे से कलर आने देंगे। तो आधे मिनट के लिए एक साइड से मतलब कि फ्राई कर लें, और आधे मिनट के लिए दूसरे साइड से। यहाँ पर देखें, बहुत अच्छी कलर आ गई है, और जिसमें हल्की कलर है उसे हम दूसरे साइड से होने के बाद दोबारा फिर पलट कर अच्छे कलर मतलब अच्छे कलर के लिए पलट देंगे। तो यहाँ पर देखें आप, जिसमें हल्की हल्की कलर है उसे मैं दोबारा से फ्लिप कर रही हूँ, और अच्छे कलर आने तक इसे देखें, इस तरीके से हल्की सी कलर इस तरीके से आनी चाहिए। तो जो बहुत ज़्यादा वाइट लग रही है, हल्की सी और इसे पलट कर और हल्की सी गोल्डन और कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, बस ये सारी बहुत अच्छे से गोल्डन कलर में आ गई है। अब हम इसे फटाफट से निकाल लेंगे एक बर्तन में, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे। तो बस ये सारे फ्राई हो गए हैं। अब इसी तेल में फिर से जो बची हुई पनीर है आधे बैच, उसे मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। यहाँ देखें, सारे पनीर को फ्राई कर लिया है मैंने, बहुत अच्छे से गोल्डन कलर में आ गए हैं सब। अब बस ये जो तेल थे, इसे मैंने इस तरीके से देखें 1/3 कप के बराबर तेल निकाल लिया है, और जो बची हुई तेल है उसमें हम डालेंगे मसाला। तो इसमें 1 दालचीनी के टुकड़े, 1 तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची, जिसे मैंने खोल के डाला है। और डालने के बाद फटाफट से इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम 2 से 3 मिनट पकने देंगे, और जैसे ही ये हल्की सी कलर चेंज होने पर आएगी, कलर चेंज नहीं करना है, कलर चेंज होने पर आएगी, इसी टाइम पे हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन वाली पेस्ट। तो यहाँ देखिए,
इस तरीके से हम भूनेंगे इसे। और ये कलर चेंज होने पर आ गई थी, हल्की सॉफ्ट हो गई। इस टाइम पे मैंने डाल दिया यहाँ पर अदरक लहसुन वाली पेस्ट, तो एक बड़े चम्मच मैंने यहाँ अदरक लहसुन वाली पेस्ट डाला है। पेस्ट डालने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे। लहसुन की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो हटनी चाहिए, तो इस तरीके से हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखें पक गई अच्छे से यहाँ पर। अब जो टमाटर की प्योरी तैयार की थी वो डालेंगे, और डालने के बाद इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए फिर से मिलाएंगे अच्छे से। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद जो हमने दही के साथ मसाले तैयार किया था वो डालेंगे, और इस टाइम बिल्कुल फ्लेम को लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे डालने के साथ साथ हम चलाते रहेंगे, नहीं तो फिर वो फटी फटी सी दही हो जाएगी जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए बिल्कुल लो कर देंगे फ्लेम को, और डालते साथ डालते जाएंगे और चमचे से चलाते जाएंगे। अब इसी में थोड़ी सी पानी लेकर डाल दिया ताकि मसाले वेस्ट ना हो। बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे, तो 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम इसकी बहुत अच्छी भुनाई कर लेंगे। यहाँ देखिए मसाले बहुत अच्छे से पक गई है, और जो तेल है वो अलग हो गए मसाले से। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच पनीर मसाला पाउडर, 1 बड़े चम्मच कसूरी मेथी। अगर आपके पास पनीर मसाला पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, फिर भी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी, तो ज़रूर ट्राई करें आप गाइस। यहाँ देखिए इसे डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम फिर से इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ देखिए बहुत अच्छे से तेल, आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से अलग हो गए हैं मसाले से, बहुत अच्छे से मसाले पक गए हैं। अब मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी, तो जिससे मैंने तेल डाला था उसी कप से पानी डाल रही हूँ, इसलिए इसके ऊपर ऑयल नज़र आ रही है। और डालने के बाद देखें, मैंने ये 500 ग्राम पनीर लिया था इसलिए मैंने ये 2 कप पानी यूज़ किया है। नमक एडजस्ट कर लेंगे, पहले 1 चम्मच डाला था, हल्की सी कम लग रही थी तो हल्की सी थोड़ी सी डालकर एडजस्ट कर लिया है, आप इसी हिसाब से बाद में एडजस्ट कर लें। अब पनीर के जो क्यूब्स है वो डाल देंगे, और डालने के बाद हम इसे ढक कर 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही रख देंगे। ये देखिए गाइस, मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, और ये देखें लाजवाब, देख रहे हैं आप तेल जो है सरफेस पे आ गई है, बहुत अच्छे से पक गई है। ये देखें आप, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही खुशबूदार। आप ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से। लास्ट में कटी हुई हरी मिर्च और धनिया पत्ती डाल देंगे, और इस टाइम पे मैं कर रही हूँ फ्लेम को बंद। फ्लेम को बंद करके 1 से 2 मिनट इसे फिर से अच्छे से मिला लेंगे। बस ये हमारा मसाला पनीर मसाला तैयार है। ज़रूर ट्राई करें आप इस तरीके से, बहुत ही टेस्टी बनती है। आपको मैं इसकी इसे डिसॉर्ट करके दिखाती हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मेरे व्यूअर्स कहाँ से मुझे देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, और वीडियो पसंद आई हो गाइस तो लाइक करना ना भूलें, आपके 1 लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है गाइस। ये देखे तैयार है, मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। तो जितनी स्वादिष्ट आपको ये दिख रही है खाने में, इससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप ज़रूर एक बार इस तरीके से पनीर मसाला ट्राई करें, बिना पनीर मसाला पाउडर के भी आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो ज़रूर ट्राई करें एक बार आप इस तरीके से पनीर मसाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।